पीआर मॉडल के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ जानकारी हम पार्ट वन में ले चुके हैं। ये पार्ट टू है, इसमें हम थोड़ा सा सेट के बारे में पढ़ेंगे और मैपिंग कार्डिनलिटी क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये है कि किस चीज को किस शेप से दिखाया जाता है। पार्ट वन में हम एंटिटी, रिलेशनशिप, एट्रीब्यूट, वीक एट्रीब्यूट, इन सब के बारे में जानकारी ले चुके हैं। देखिए, रेक्टेंगल शेप आयताकार या वर्गाकार से एंटिटी को, डायमंड शेप से रिलेशनशिप को, एट्रीब्यूट को, एक्लिप्स शेप से, अगर डबल डबल हो जाता तो सारी वीक होती है, वीक एंटिटी रिलेशनशिप, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, और नीचे एक अंडरलाइन इक्लिप्स के अंदर रहे तो की एट्रीब्यूट होता है। इसका बारे में की के बारे में पार्ट थ्री में पढ़ेंगे दोस्तों, और कंपोजिट एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें बेसिकली हम एक चीज देखते हैं। देखिए, एंटिटी, वीक एंटिटी, रिलेशनशिप, तो इसमें अंतर क्या है, एंटिटी और वीक एंटिटी में अंतर क्या है। देखिए दोस्तों, एंटिटी क्या होता है, रियल ऑब्जेक्ट, या उसको हम क्या कर सकते हैं, टेबल। जैसे मान लेते हैं एक स्टूडेंट का टेबल है, ठीक है, तो स्टूडेंट हमारा क्या हो गया, एंटिटी हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर इसके एट्रीब्यूट क्या क्या हो सकते हैं, स्टूडेंट का आईडी होगा, नेम होगा, और क्या होगा, क्लास होगा। ठीक है, तीन एट्रीब्यूट हो सकते हैं, मतलब आईडी एक, दो, नेम कुछ भी होगा आर मान लेते हैं, यहाँ पे भी आर, और क्लास सिक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, एंटिटी जो है स्ट्रॉन्ग एंटिटी, उसमें देखिए आईडी जो इसका एक है, इसका दो है, तीसरा आएगा तो तीन आएगा, इसको हम प्राइमरी की बोल सकते हैं। अगर इसको हम प्राइमरी की बना लेते हैं तो ये कभी भी रिपीट नहीं होगा, किसी भी टपल में या रो में रिपीट नहीं होगा, तो इसीलिए स्ट्रॉन्ग एंटिटी होता है, क्योंकि एक आईडी के बेस पे हम इसको सारे रो और टपल को अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन वीक एंटिटी में क्या होता है, हमारा कोई भी ऐसा कॉलम नहीं होगा या एट्रीब्यूट नहीं होगा जिसको हम प्राइमरी की बना सके। जैसे यहाँ पे आईडी नहीं होगा, यहाँ पे नेम होगा, क्लास होगा, सेक्शन होगा, तो नेम आर, क्लास सिक्स सेक्शन ए, नेम एस, क्लास सिक्स सेक्शन ए, ठीक है, नेम आर, क्लास सेवन सेक्शन बी। देखिए यहाँ पे रिपीट है, यहाँ पे रिपीट, यहाँ पे रिपीट है, तो कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट नहीं है नेम, क्लास और सेक्शन में जिसको हम प्राइमरी की बना सके, इसीलिए दोस्तों ये वीक एंटिटी होता है और ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड वीक एंटिटी, तो बेसिकली केवल एक मेन डिफरेंस होता है, वो की का, प्राइमरी की का। स्ट्रॉन्ग एंटिटी में प्राइमरी की होता है जिससे हर टपल, हर रो हम अलग अलग कर सकते हैं, वीक एंटिटी में कोई भी प्राइमरी की नहीं होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, टोटल पार्टिसिपेटिंग, टोटल पार्टिसिपेटिंग क्या होता है। देखिए, कोई इवन है एंटिटी, ठीक है, उसका रिलेशन हम बताएंगे, ठीक है, ई टू से, तो जब भी टोटल पार्टिसिपेटिंग बताएंगे तो यहाँ पे हम डबल लाइन का यूज करेंगे। टोटल पार्टिसिपेटिंग क्या होता है, थोड़ा सा यहीं पे देख लेते हैं कि टोटल पार्टिसिपेटिंग होता क्या है। ठीक है, जैसे आप लास्ट ईयर में जाते हैं जब, तो आपके पास क्या ऑप्शन रहता है सब्जेक्ट लेने का, जैसे सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट थ्री, ठीक है, इन और ये आता है। ठीक है, इनमें से आपके पास क्या रहता है, ऑप्शन रहता है कि आपको कोई ना कोई एक सब्जेक्ट लेना है, लेकिन ये भी कंफर्मेशन रहती है कि कोई ना कोई एक सब्जेक्ट लेना ही है इन तीनों में से, तो इसको कहते हैं टोटल पार्टिसिपेटिंग। ठीक है, अगर यहीं पे ये रहता कि ये भी आप कर सकते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट ना ले, तो वो क्या हो जाता, पार्शियल पार्टिसिपेटिंग। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं, कार्डिनलिटी क्या होता है। देखिए दोस्तों, एक एंटिटी E1 है, एक एंटिटी E2 है, ठीक है, अब ये E1 जो है, इससे अगर वन टू मेनी कनेक्टेड है, मतलब कि मान लीजिए किसी क्लास में कुछ स्टूडेंट है, ठीक है, E1 जो है हमारा क्या है, स्टूडेंट की एंटिटी है, ठीक है, और
E2 जो हमारी है क्या है, सब्जेक्ट की, ठीक है। तो एक स्टूडेंट सब्जेक्ट टू एंड सब्जेक्ट एन, ठीक है, एक स्टूडेंट कितना भी सब्जेक्ट ले सकता है, सब्जेक्ट वन भी चूज कर सकता है, सब्जेक्ट टू भी चूज कर सकता है। तो ये वन टू मेनी कार्डिनलिटी है। कार्डिनलिटी बेसिकली चार तरह की होती है, आइए देखते हैं कौन कौन से। उसको जानने से पहले हमको कुछ चीजें समझना चाहिए, रिलेशनशिप। ठीक है दोस्तों, रिलेशनशिप तो सब लोग जानते हैं क्या होता है, ठीक है। पिता का पुत्र से, माता का पुत्र से, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये सब एक रिलेशनशिप है। लेकिन अगर उसको प्रोफेशनल लैंग्वेज में बोलना, प्रोफेशनल शब्द में क्या बोलेंगे, द एसोसिएशन एमंग एंटिटी इज कॉल्ड रिलेशनशिप। ये DBMS की लैंग्वेज है, द एसोसिएशन एमंग एंटिटीज, दो एंटिटीज के बीच के जो बॉन्डिंग होती है, जिसके कारण वो बंधे रहते हैं, वो रिलेशनशिप कहलाती है। जैसे एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ऑफिस में क्या करेगा, वर्क। तो एम्प्लॉय और ऑफिस के बीच किस चीज का रिलेशनशिप है, वर्क का, ठीक है। एन एम्प्लॉय वर्क एट अ डिपार्टमेंट, ठीक है, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट के बीच वर्क की वजह से रिलेशनशिप है। अ स्टूडेंट एनरोल्स इन अ कोर्स, ठीक है। अब देखते हैं रिलेशनशिप सेट क्या होता है, जहां पे एक साथ कई रिलेशनशिप हो और उनको एक कलेक्शन उनका बना लिया जाए, वो रिलेशनशिप सेट होते हैं। बाइनरी में टू रिलेशनशिप, टू नंबर ऑफ सेट का काउंट होते हैं, टर्सरी में थ्री, इसी तरह होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं मैपिंग कार्डिनलिटी, मेन टॉपिक है। ये कितने तरह के होते हैं, ये टोटल चार तरह के होते हैं बेसिक। पहला है वन टू वन, वन टू वन देखते हैं। वन टू वन में क्या होता है, देखिए वन टू वन में ए वन का जो संबंध होगा केवल बी वन से, बी टू से या बी थ्री से, केवल एक ही से होगा, दूसरे से कनेक्शन नहीं हो सकता। मतलब ए वन का संबंध केवल बी वन से होगा, ए टू का संबंध जो है केवल बी टू से होगा, ए थ्री का संबंध केवल बी थ्री से होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, चलिए अभी तक हम सारे स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे भी हम स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम ही लेके चलेंगे, ठीक है। ठीक है, जब आप बीटेक कर रहे थे तो उसमें कई डिपार्टमेंट थे, एक आईटी डिपार्टमेंट था, एक सीएस डिपार्टमेंट था, ठीक है, एक मैकेनिकल डिपार्टमेंट था, ठीक है। ये हमारे होंगे आईटी, सीएस और मैकेनिकल डिपार्टमेंट का एक ग्रुप, ठीक है। और यहाँ पे उनके जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट, आईटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो होगा वो केवल एक ही होगा, दो लोग तो हो नहीं सकते। सीएस के हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी एक केवल होंगे और मैकेनिकल के हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी केवल एक ही होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, आईटी का जो आईटी से संबंधित हो वो आईटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट से ही संबंधित होगा। मतलब जो आईटी कोर्स है, ये आपका यहाँ पे कोर्स है, ठीक है, आईटी आईटी कोर्स जो है हेड ऑफ डिपार्टमेंट आईटी का ही होगा। सीएस कोर्स के लिए हेड ऑफ डिपार्टमेंट सीएस का ही होगा और मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल का ही होगा। तो ये है वन टू वन कार्डिनलिटी, ठीक है। अब वन टू मेनी देखते हैं। वन टू मेनी में क्या होगा, ए वन का रिलेशन बी वन से भी हो सकता है, बी टू से भी हो सकता है, ठीक है, और बी थ्री से भी हो सकता है, मतलब कितने लोगों से हो सकता है। एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम एक टेबल हेड ऑफ डिपार्टमेंट का लेते हैं और यहाँ पे किसका लेते हैं, फैकल्टी का, ठीक है। तो यहाँ पे तो एक ही हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा, जैसे अगर आईटी कोर्स का एक एक आईटी का होगा, एक सीएस का होगा और एक मैकेनिकल का होगा, ठीक है। लेकिन फैकल्टी तो कहीं भी हो सकती है ना, फैकल्टी आईटी की हो सकती है, दो हो, ठीक है, फैकल्टी सीएस, फैकल्टी आईटी, फैकल्टी मैकेनिकल, फैकल्टी सीएस, ठीक है। तो अब इस हेड ऑफ डिपार्टमेंट का जो संबंध होगा इससे, इस फैकल्टी आईटी से भी होगा और इस आईटी के भी फैकल्टी से भी होगा, क्योंकि दोनों आईटी की फैकल्टी है, दोनों को हेड ऑफ आईटी का हेड ऑफ डिपार्टमेंट देखेगा। तो यहाँ पे देखिए ये वन टू मेनी, ठीक है,
सीएस में देखते हैं, सीएस का यहां से भी संबंध होगा इस फैकल्टी से भी, और इस फैकल्टी से भी संबंध होगा। तो यहां पे भी वन टू मेनी का रिलेशनशिप बन रहा है। तो हम ये कर सकते हैं, देखिए यहां पे एक एंटिटी एचओडी है, ठीक है, और दूसरी एंटिटी क्या है, फैकल्टी, ठीक, और इनके बीच में जो रिलेशन बन रहा है वो वन टू मेनी का बन रहा है, ठीक है। इसी तरह यहां पे एक एंटिटी हमने लिया क्या, कोर्स, ठीक है, और दूसरा क्या लिया, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, और इनके बीच जो रिलेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है, वन टू वन का, ठीक है। अगला देखते हैं, मेनी टू वन। मेनी टू वन में क्या होता है कि जो ए वन का संबंध होगा, जो बी वन का संबंध होगा, वो ए वन से भी हो सकता है, ए टू से भी हो सकता है, ए थ्री से भी हो सकता है, कितने लोगों से भी हो सकता है, ये देखिए, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, एक हम एंटिटी लेते हैं कोर्स का, और दूसरा लेते हैं किसका, फैकल्टी का, और इनके बीच रिलेशन उनको दिखाना है। देखिए अब कैसे एक टाइम में एक कोर्स एक ही फैकल्टी पढ़ा सकती है, ये मानते हैं कि नहीं। अगर देखिए कोर्स से देखते हैं, जैसे कोर्स में क्या क्या हमारा हो गया, मान लीजिए डीबीएमएस है, डीबीएमएस है, जावा है, डॉट नेट है, ठीक है, ठीक है। तो जब डीबीएमएस पढ़ाने की बात आएगी तो एक क्लास में एक ही एक टाइम में एक ही फैकल्टी डीबीएमएस पढ़ा सकती है, ये थोड़ी ना है कि दो फैकल्टी आके एक ही क्लास में बताएगी, तो किसी क्या समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन एक फैकल्टी जो है, एक फैकल्टी अलग अलग टाइम पे डीबीएमएस भी एक क्लास में पढ़ा सकती है, और कुछ देर बाद जाके दूसरे क्लास में क्या, जावा भी पढ़ा सकती है, और उसके कुछ समय बाद तीसरे क्लास में, तीसरे लेक्चर में डॉट नेट भी पढ़ा सकती है। तो जो ये एक फैकल्टी है, तीन कोर्स पढ़ा सकती है, मतलब वन टू मेनी कोर्स पढ़ा सकती है, लेकिन एक टाइम में एक ही कोर्स पढ़ाएगी, मतलब एक टाइम में एक ही कोर्स पढ़ा सकती है। तो इधर से वन टू वन हो गया, इधर से क्या हो गया, वन टू मेनी। अब मेनी टू मेनी देखते हैं, मेनी टू मेनी में क्या होता है कि ए वन जो है बी वन बी टू बी थ्री से भी कनेक्ट हो सकता है, बी वन जो है ए वन ए टू ए थ्री से भी कनेक्ट हो सकता है। ये देखिए ए वन बी वन से भी कनेक्ट हो सकता है, और ए वन बी टू से भी कनेक्ट हो सकता है, बी वन ए टू से भी कनेक्ट हो सकता है, ठीक है, और बी टू ए थ्री से भी कनेक्ट हो सकता है, और बी थ्री भी ए थ्री से कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। अब इसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है प्रोजेक्ट का। देखिए हम एक एंटिटी लेते हैं क्या, एम्प्लॉय, ठीक है, और दूसरा लेते हैं किस चीज का, प्रोजेक्ट का। ठीक है, इनके बीच में रिलेशन दिखाना है। तो एक एम्प्लॉय जो है कई प्रोजेक्ट पे भी काम कर सकता है, ठीक है, और एक प्रोजेक्ट पे कई एम्प्लॉय भी काम कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका मेनी टू मेनी मैपिंग कार्डिनलिटी, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद बचता है हमारा की। की में क्या क्या है, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, एंड ऑल, ठीक है। इसको हम अगले लेक्चर में समझेंगे। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।